हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों आज मंडे है, लेकिन मंडे मंडे जैसा नहीं लग रहा है। और अक्सर मंडे को मैं बॉक्स ऑफिस रिव्यू करता हूँ, लेकिन अभी तो बॉक्स ऑफिस भी यार सब कुछ बंद है, तो रिव्यू किस चीज़ का करूँगा। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स पर एक्सट्रैक्शन नाम का एक फिल्म रिलीज हुआ है लास्ट फ्राइडे, उसका रिव्यू भी मैंने किया था। उस रिव्यू पर आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स लिखे थे, जिसमें मेजोरिटी कॉमेंट्स ये कहते हुए लिखा था आप लोगों ने कि मैं फिल्म को माइंड ब्लोइंग कैसे कह सकता हूँ जब कहानी इतना वीक है। दोस्तों मैंने कहानी को कभी माइंड ब्लोइंग नहीं कहा था, मैंने एक्शन सीक्वेंसेस को माइंड ब्लोइंग कहा था। इनफैक्ट एक्शन सीक्वेंसेस को मैं डिटेल में डिस्कस किया था। मैं सहमत हूं आपसे कि स्टोरी एब्सोल्युटली वीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टोरी की कमियां क्या है और क्या क्या कर सकते थे स्टोरी में, क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स ला सकते थे स्टोरी में टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात तो यार, ये स्टोरी का जो पैटर्न है वो एक वन ट्रैक पैटर्न है। बंदा किडनैप हुआ है, उसको लेकर वापस आना है, और उसके बीच में कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है। तो क्रिस जब बंदे को वापस लेकर आ रहा है, गुंडे उन पर अटैक करता है और गुंडों को मतलब मार गिराना है और बंदे को वापस सेफली लेकर आना है। ये वन ट्रैक स्टोरी देखने के बाद इतना प्रेडिक्टेबल है कि आप बोर हो जाओगे। आई अग्री विथ यू। ऑफ कोर्स एक्शन सेव्स द डे, एक्शन इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर द वीकनेस ऑफ द स्टोरी। बट अगर हम स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में बात करें एंड व्हाट कुड हैव बीन मच मोर बेटर इन द स्टोरी टू मेक इट मच मोर इंटरेस्टिंग, तो मेरा एक सिंपल सा थियरी है। अगर आप इस स्टोरी को सर्च, लोकेट और एक्सट्रैक्ट वाला पैटर्न फॉलो करके बनाते तो इट वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात, जब क्रिस वो हाइड आउट पर पहुंचता है ढाका में और किडनैपर्स को पूछते हो प्रमाण दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि द किडनैप्ड सब्जेक्ट इज अलाइव करके, तो लोग दरवाजा खोल के दिखाते देखो बंदा अलाइव है। ऐसा थोड़ी होता है, जब आप किसी को किडनैप करते हो और जब कोई और बंदा प्रूफ पूछता है तो आप प्रूफ कैसे दिखाते हो? या तो वीडियो दिखाते हो ना, कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते देखो ही इज अलाइव, या फिर फोन कॉल करके उनसे बात करवाते हो लुक ही इज अलाइव करके। ऐसा थोड़ी दरवाजा खोल के थोड़ी दिखाते देखो बंदा जिंदा है करके। तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर क्रिस टू रेस्क्यू द गाय एंड एक्सट्रैक्ट हिम एंड टेक हिम अलॉन्ग विथ हिम। तो सर्च, लोकेट और एक्सट्रैक्ट का पैटर्न फॉलो करते हो तो पहला तो सर्च, लेट क्रिस सर्च वेयर द किडनैप्ड विक्टिम इज, कहाँ उसको छुपा के रखा है, क्लूज फाइंड आउट करके वो जगह पे पहुंचो तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग होता। उसके बाद लोकेट करके उसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना दिक्कत हो रहा है, कौन कौन अटैक कर रहा है, उसमें और थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। तो अगर ये पैटर्न फॉलो करके आप जाते तो इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, द स्टोरी वुड हैव बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। दूसरा पॉइंट है यार, मैंने ये रिव्यू में भी डिस्कस किया था, अगर आप लड़के के जगह पे लड़की रखता था ना, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि एक फादर डॉटर का बॉन्डिंग हो, ब्रदर सिस्टर का बॉन्डिंग हो, दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड इमोशनल टू वॉच एज कम्पेयर टू ब्रदर ब्रदर या फादर सन रिलेशनशिप। तो क्रिस और एक लड़की के बीच में जो बॉन्डिंग बनता था ना, दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड पीपल वुड हैव लव्ड इट। जैसे मैंने बजरंगी भाईजान का एग्जाम्पल दिया था, मुन्नी और सलमान का जो बॉन्डिंग था थोड़ा एक्सीलेंट, अगर मुन्ना और सलमान होता तो उतना मजा नहीं आता, एज सिंपल एज दैट। तीसरा, वो जो बांग्लादेशी ड्रग लॉर्ड था, जो गैंगस्टर था यार, ही शुड हैव बीन इन द थिक ऑफ एक्शंस यार, उसका भी कुछ फाइट सीक्वेंस होना चाहिए था क्रिस के साथ यार। वो तो पूरा बैकग्राउंड में था, ऐसा लग रहा था वो दूर से पबजी का कोई मैच देख रहा है, पबजी का कोई गेम देख रहा है यार। ही शुड हैव बीन इन द बैटल यार, फाइटिंग क्रिस टू सेव हिज ओन किडनैप विक्टिम टू कीप हिम अवे फ्रॉम क्रिस, बट यार वो दूर से आराम से मैच देख रहे हैं ऑडियंस जैसा, तो वो मेरे को थोड़ा मतलब जमा नहीं है। इनफैक्ट वो कास्टिंग भी जमा नहीं, और वो पर्टिकुलर रोल का जो स्टोरी लाइन था वो भी मेरे को जमा नहीं। आई थिंक हैड ही बीन इन द थिक ऑफ द एक्शन थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर इंटरेस्टिंग। फाइनली दोस्तों, मेरे को लगता है ये सब अगर कमियां रेक्टिफाई करते तो यार द स्टोरी वुड हैव बीन इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू वॉच अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों को क्या लगता है, और कौन से थियरीज या और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स अगर स्टोरी में होते इट वुड हैव मेड इट इंटरेस्टिंग, लिख कर बताना कॉमेंट बॉक्स में। फॉर द मोमेंट सोनू सेज बाय बाय।